स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। रूबीना लियाकत डिस्ट्रॉयज अनुराग भदौरिया, केजरीवाल अरेस्ट, इलेक्शन 2024 CAA लेटेस्ट डिबेट मिस्टर पांडा की चैनल की ओर से वीडियो है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर। और अगर कम पड़ जाता है हाँ। तो सिंधिया का पूरा परिवार यहाँ आ जाओ। अनुराग ठाकुर के पिताश्री तो चीफ मिनिस्टर थे ही, तो यहाँ कितने लोग हैं जिनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे। साहब सिंह वर्मा भी चीफ मिनिस्टर थे, उनके बेटे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो पूरा परिवार तो आजकल समा गया भारतीय जनता पार्टी में। हाँ। और भ्रष्टाचारी को तो बुला बुला के मंत्री बना ही दिया जिन पे आरोप लगा था, तो बचा क्या फिर? बचा क्या बताइए? शर्मा जी क्या बचा? क्या बचा है? बचा क्या आपके पास? क्या बचा है? सब क्या बचा है? मुझे बड़ा आश्चर्य। नहीं, महंगाई पे बात करेंगे ना, बेरोजगारी पे बात करेंगे ना, महिला समस्या पे बात करेंगे ना, किसान पे बात करेंगे। अनुराग जी का भी बचा है, बचा है। अनुराग जी का भी बचा है, रुकिए ना। क्या है? हाँ अनुराग जी रुकिए ना, बचा है अभी और के हो गया। नहीं मेरा तो बचा है। नहीं, मैं इनसे कह रहा हूँ, नहीं महंगाई पे बात करते। अरे मैंने सुन लिया ना, आपको बोलने का मौका दिया, अब आप सवाल पूछ रहे जवाब दे दीजिए। और सुनिए के शर्मा जी, 30 सेकंड में बचाइए आपके पास। पूछे इन साहब, 30 सेकंड में बताइए कि आपके पास बचा क्या है? आज फिर टमाटर आया है। साहब का नाम जानते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये साहब का नाम जानते हैं कि नहीं? नाम पूछ लीजिए, क्या है इसका नाम? साहब को पहचानते हैं कि नहीं बीजेपी वाले? के शर्मा जी साहब को पहचानते हैं कार्ड? इनका नाम बता दीजिए, रिकॉर्डेड टेपरी कार्ड। ये रिकॉर्डेड टेपरी कार्ड है, एक बंद होगा ही नहीं। एक ही रील चलेगी। अरे साहब का नाम बता दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मेरा समय मत खराब कीजिए। डिबेट खराब मत कीजिए। के शर्मा जी एक सेकंड, एक सेकंड। अरे भदौरिया जी एक ही टमाटर लाए थे, एक आध किलो भर लाए हैं। अरे नाम पूछिए नाम। अरे नाम तो मैं पूछ लूंगी, क्या नाम है? पर ये तो बता दीजिए, नाम बोलने से, नाम बताने से डरते हैं? एक आधी लाए हैं कि एक आध किलो भर लाए हैं? नाम तो पूछ लीजिए, उससे मुझे पता पड़ेगा आपके बैंक में कितना पैसा है। नाम तो पूछ लीजिए रूबिका जी, नाम। अरे नाम, अरे अरे नाम पूछ लीजिए, नाम रूबिका जी, नाम पूछ लीजिए। के शर्मा जी नाम बता दीजिए, भूल गए ये। अब जो महिलाएं हैं वो अपनी अंगूठी में डायमंड नहीं मांग रही है, कह रही है तुम मेरी अंगूठी में टमाटर जड़ दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। इतना महंगा कर दिया आपने टमाटर, ठीक है? और ये नाम ही भूल गए। देखिए जो आपका मूल विषय है उसमें चर्चा कर रहा हूं। नाम नहीं बोलेंगे, नाम तो बता दो। वो रखें। ओके अनुराग जी रुक जाइए, और बहुत संभाल के उस टमाटर को पास में रख दीजिए। वो टमाटर पिचकना नहीं चाहिए सर, बहुत बहुत कीमती चीज है। नहीं मुझे आश्चर्य, आप ऐसा शर्मा जी, आप ऐसा डिबेट कंडक्ट कर रही हैं। शर्मा जी बहुत आश्चर्य, आश्चर्य मत, बहुत गंभीर विषय है ये। अरे सर टमाटर की महंगाई भी गंभीर विषय है शर्मा जी। आज संसद में भी नेताओं ने टमाटर पे बात रखी थी, सुप्रिया सुले बोली है, सौगत राय ने बोला है टमाटर इज अ गंभीर, गौरव गोगोई भी टमाटर रख लीजिएगा, आप एक डिबेट रखिएगा। हाँ मैं रख लूंगी, अब आप जवाब दीजिए। बिल्कुल मैं आप इस पे विषय रखिएगा। अब आप अपनी बात, पांच सांसद कल गायब है। अरे फिर आप टमाटर ले आए सर, वो टमाटर खरीदने थोड़ी गए थे कपिल सिब्बल जी, क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों गायब हो गए उसका जवाब दीजिए ना। सदन से कोई टमाटर खरीदने थोड़ी चले गए थे, रुक जाएंगे। मैंने सवाल इसका नाम पूछा था। हाँ वो नाम बता देंगे, नाम क्या है सबको पता है, इसका नाम क्या है? लेकिन ये नहीं पता है कि कपिल सिब्बल सदन से क्यों चले गए थे, इसका जवाब दे दीजिए। जयंत चौधरी सदन से क्यों चले गए नहीं पता है, इसका नाम तो पता है, लाल वाले भैया इनको टमाटर कहते हैं। मैं जवाब दूंगा, अब आप जवाब दीजिएगा सर। पहले मैं पहले मेरे तीन मेहमान, उसके बाद में मौका दूंगी आपको, प्लीज इतना इतना मुझे मौका दे दीजिए। धीरेन्द्र कुमार हुड्डा भी है, नवल किशोर जी भी है। नवल किशोर जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी ये कह रही है, और कल भी अमित शाह ने कहा था कि हम तो तैयार थे मणिपुर पर चर्चा करने के लिए, आप ही लोग हंगामा कर रहे थे, आप ही लोग सदन नहीं चलने दे रहे थे, कीजिए ना, कौन रोक रहा है? अविश्वास प्रस्ताव के पीछे का आइडिया क्या है? सिद्धू जी के दिल में खून में पंजाब है, आप काट के देखिए, कभी काट के देखिए, निकलेगा खून, निकलेगा पंजाब दिखाई देगा उसमें। टिकट बंटवारे में भी बीजेपी आपसे बाजी मारती हुई दिखती है, 35% ओबीसी को टिकट बीजेपी ने दिए, आप मात्र 20% पर रह गए। अलका लांबा मैंने बोलने का मौका दिया अब आपको, अब विषय पर लौट, मेरा सब्जेक्ट ये है कि भाई आप ओबीसी की, ओबीसी जनगणना की बात कर रहे हैं ना, कास्ट सेंसस में ओबीसी को शामिल करना है, एक सेकेंड। लेकिन तेलंगाना में जो सरकार बनी आपकी,
वहां आप बीजेपी से पिछड़ते हुए दिखे, 35% वो ओबीसी को टिकट दे पाने की स्थिति में थे, आपने मात्र 20% को टिकट दिया। आपके सवालों से साफ लगता है कि आपको ये लग रहा है कि ये देश का चुनाव एक मुद्दे पर होता है। गांधी ने नागपुर से तो जातिगत जनगणना की बात की ना अलका लांबा, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से सवाल पूछ रही हूँ, एक सेकंड रुकिए बस, मैं जिम्मेदारी से सवाल पूछ रही हूँ। आपने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे, कर्नाटक में रिलीज कर दीजिए पूरा भाषण। तो हमने सुना, हमने दो प्रवक्ताओं की बातें सुनी, और अलका जी तो कहते हैं ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ लेना, तो बेचारी दुनिया भर भटकी है, लेकिन जिस मौजू पे बात कर रही थी उस पर बात नहीं कर पाई। और अपने ही सबसे बड़े लीडर उनके राहुल गांधी जी का जो एकमात्र जो एक पूरा नारा है उसी को उन्होंने हल्का कर दिया और ठंडा कर दिया, बड़े अफसोस की बात है। कम से कम अपने नेता ही की बात समझ लेती और उस पर कुछ ज्ञान ले लेती तो उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए अच्छा रहता। अभिषेक जी देखिए, जहां तक अभी आपने कहा मीडिया की सुर्खियां बनाने के लिए करते हैं, कल जब सारा मीडिया ये कह रहा था कि ललन सिंह का इस्तीफा होगा तो ललन सिंह कह रहे थे हाँ आप ही को सब कुछ पता है, हमें मालूम है आप किसकी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जाकर के ले आइएगा ड्राफ्ट हमारे इस्तीफे का बीजेपी के दफ्तर से, हम वही पढ़ देंगे, तब तो वो ये कह रहे थे। अब आज इस्तीफा उनका हो गया, अब आज देखिए चर्चा ये चल रही है, और मैं चाह रहा हूं सीधे आप इस पर ही बताएं हमको, आपके और अलायंस के बीच में सब कुछ ठीक है ना, आपके और लालू यादव जी की पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक है या नहीं है? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ये लग रहा था कि उनके पार्टी के अध्यक्ष उनके लिए कम, लालू यादव के लिए ज्यादा काम करते हैं, इसीलिए उनको हटाना पड़ा। हकीकत यह है कि उनको भी पता है कि नैया जो डूबने वाली है, कमान जो है उन्होंने अपने हाथ में लिया है, लेकिन उनके हाथ में ताकत ही नहीं है। जब कैप्टन ही इतना कमजोर हो जाए कि उसी से लोगों को डरने लगने लगे, देखिए कैप्टन जब किसी चीज का भी, चाहे कहीं सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो, कैप्टन पे बहुत भरोसा होना चाहिए उनके टीम को। जब कैप्टन पे ही टीम को भरोसा खत्म हो जाए, और नीतीश कुमार पे भरोसा लोगों का, उनकी टीम के लोगों का खत्म हो गया है, और इसीलिए लगता है उनको कि आज नहीं तो कल जेडीयू के अंदर जो लोगों के अपने उनके पार्टी के लीडर। हाय मिस्टर पांडा, ये दो विपक्षी प्रवक्ता टीवी पर आकर ये पूछते हैं कि पीएम मोदी ने और जो बीजेपी गवर्नमेंट है पिछले 9.5-10 साल में उन्होंने क्या किया। जब ये लोग महंगाई का मुद्दा उठाते हैं तो ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि इनके जमाने में भी तो महंगाई थी, इनफैक्ट इनके समय में जो इन्फ्लेशन रेट था वो आज के मुकाबले ज्यादा था। इनके समय में जितने लोग गरीबी से बाहर निकले थे उससे ज्यादा लोग अभी पिछले 10 साल में गरीबी से बाहर निकले हैं। इनके समय में जो जीडीपी पर कैपिटा थी आज उसका डबल है। 2014 में हम 10th पोजीशन में थे वर्ल्ड इकोनॉमी में, आज हम 5th पे हैं, और आगे आने वाले 4-5 सालों में हम 3rd पे आ जाएंगे। आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ जो इंटरनेट पेनिट्रेशन था और इंटरनेट यूजर्स है, मोबाइल फोन यूजर्स है, वो आज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, और इसी का थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और भदरिया साहब जो टमाटर की बात कर रहे थे, उसका कहने का मतलब है उस समय टमाटर बहुत महंगे हुए थे, उसका रीजन पूरी दुनिया जानती है क्यों महंगे हुए थे मेरे भाई, ठीक है। तो महंगे, महंगाई का रीजन था, टमाटर महंगे थे, मना नहीं है, लेकिन उसका रीजन सबको पता था कि क्यों महंगे, और वो ज्यादा टाइम भी नहीं था। हाँ। जैसे ही, क्योंकि देखो कई सारे फार्मरों की जो फसल थे वो खराब हो चुकी थी टमाटर की, ठीक है, टमाटर की जो खेती करते थे उसकी बारिश की मतलब उस समय जो प्रॉब्लम हुआ था उस वजह से फसल जो थी वो खराब हो गई थी, तो जिस हिसाब से मंडी में टमाटर आने चाहिए थे उस हिसाब से नहीं आ रहे, लेकिन 2 महीने के बाद वही टमाटर जो 150-200 रुपये भी किलो तक पहुंचे थे वो उसका कोई भाव भी नहीं पूछ रहा था। हाँ, फ्री में जा रहे। तो ये देखो, उस एक समय तो ऐसा भी आया था जब फार्मर को टमाटर की जो प्राइस मिल रही थी तब वो 1 रुपया मिलती थी, कई सारे फार्मर ने ट्रोली भर भर के मतलब नदी में बहा दिए, वेस्ट कर दिए टमाटर। तो देखो ये पूरी दुनिया को पता है भदौरिया साहब, हमारे देश में अब साक्षरता दर जो है ना वो बढ़ चुका है। दूसरा ये है कि अब भारत देश में हर बच्चे के पास
मोबाइल है, हर यंग मिडिल एज वाले के पास मोबाइल है, हर बुड्ढों के पास भी मोबाइल। बुड्ढे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, उनको फिर खराब लग जाएगा कि हमें बुड्ढा बुला रहा है। लेकिन कोई नहीं, जिसकी एज 60 प्लस है उनके पास भी स्मार्टफोन है। ओल्ड एज की मैं बात कर, मतलब मैंने वो भाई हिंदी में बोला, मतलब इंग्लिश में बोला तो सबको अच्छा लगता है, ओल्ड एज बोलो ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो वर्ड्स इंग्लिश का है। जब हिंदी में बोले तब सबको बुरा लगता है भाई, तो ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जो ओल्ड एज वाले हैं उसके पास भी स्मार्टफोन है, वो भी अच्छे से इंटरनेट चलाना जानते हैं, और पूरी दुनिया को पता है महंगाई के बारे में। और महंगाई जो है वो भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में है, ठीक है, पूरी दुनिया में। लेकिन हम भाग्यशाली है कि पूरी दुनिया में जो प्राइस है उसे कहीं कहीं गुना कम रेट में हमें कहीं सारी चीजें मिलती है, ठीक है। आप हमारे पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, पूछ लीजिए वहां पे पेट्रोल का दाम, वहां पे सिर्फ टमाटर का दाम पूछ लीजिए, दूसरा तेल लेने गया पाकिस्तान में टमाटर का दाम पूछ लीजिए। रबी रमजान था, मतलब तभी तो सब आसमान छू गए थे, इतने सारे सब महंगे हो गए थे। देखो ये जो होती है, जो प्रोडक्ट जो हम परचेज करते हैं तो उसमें दाम क्यों बढ़ते हैं उसका रीजन आप तो जानते हो ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल खाने पीने की टमाटर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो टमाटर की एक दो साल पहले प्राइस कम मिली थी, तो फार्मर ने जो जिस हिसाब से वो टमाटर खेत में डालते थे उगाते थे उसकी थोड़ी बढ़ोतरी तो कम कर दिया। अब मंडी में कम आएगा और मांग ज्यादा बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सब कुछ पूरा भौगोलिक पूरा चक्र समझना पड़ेगा, और ये उल्टा चश्मा मत पहनाया करो। कांग्रेस के टाइम पे भी क्या महंगाई थी वो पूरी दुनिया को पता है, ठीक है, क्या क्या भवंडर हुए, क्या क्या कांड हुए, सब कुछ सबको पता है। लेकिन देश आगे बढ़ रहा है तो मुंह बंद रख के हमें जिसको वोट देना है देने दो, और जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने दो। अब बीच में वो बोलते ना उंगली बंद किया करो। बाकी ये डिबेट का वीडियो था, जनता जनार्दन को सब कुछ पता है। वीडियो को समाप्त करते हैं, आपसे दोस्तों विदाई लेते, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।